फ्रेंड्स, अमेरिका के बाजार खुल चुके हैं और वहां पे त्राही त्राही मची है, बहुत ही जबरदस्त गिरावट। ये गिरावट है, ये हमारे बाजार में कल क्या गुल खिलाएगी, क्या भयंकर गिरावट होने वाली है। वैसे तो आज हमने पिछले एक साल का लो देख लिया है, लेकिन अब क्या गिरावट और होने वाली है और हमारे पोर्टफोलियो का क्या होगा। आप देखोगे कि लगभग 90% लोगों के पोर्टफोलियो में अब सिर्फ लॉस ही लॉस है, और ऐसे में अब आगे क्या संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्टों की राय जान लेते हैं, जिससे आपको भी समझ में आएगा आगे क्या करना है। आगे क्या ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी, क्या हमारा निवेश डूबते जाएगा, या फिर इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए। ये तो आपने देखा ही होगा कि चाहे जितनी गिरावट हो, अंत में बाजार ऊपर की तरफ ही जाता है। तो क्या ऐसे में हमें कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, क्या संभावना बन रही है बाजार को लेकर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोगों का पेशेंस जवाब देने लगा है, उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है। लोगों को बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा कि बाजार किस करवट जाएगा, क्योंकि एक तरफ देखो तो थोड़ी सी पहले हमें राहत देखने को मिली थी, बाजार ने अच्छा खासा बाउंस बैक भी दिया था, लगने लगा था कि अब फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा, लेकिन जो बना वो बहुत ही खराब बना। और इसके पीछे वजह बनी कल यूएस से आई हुई खबर। अब यहाँ यूएस से जो खबर आज या निकल के रही है वो भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर भरोसा था हमारे बड़े फंड हाउस, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, अब क्या होगा आगे। तो इन सारी बातों को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आगे क्या संभव है इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो आज शुरुआत तो अच्छी हुई थी, यानी 53,018 के स्तर पर शुरुआत की थी, यानी पॉजिटिव शुरुआत थी, क्योंकि जो कल की क्लोजिंग थी वो 52,541 की थी, यानी अच्छे खासे 400-500 पॉइंट की गैपअप के साथ में ओपनिंग की थी। लोगों को अच्छा लगने लगा था कि पॉजिटिव माहौल बनेगा, लेकिन फिर बाजार ने गिरना जो शुरू किया तो इसने 51,425 का लो बनाया। अंत में जो क्लोजिंग है वो भी 51,495 के आसपास है, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ 1.99% की बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। और यहाँ पर सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि ये जो लो बना है ये बिल्कुल नया है। इससे पहले जो ये हमने जो स्तर देखा था वो 28 मई 2021 को देखा, यानी 13 महीने के लो स्तर पे चला गया है बाजार, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात हो चुकी है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 15,360 के स्तर पर आ चुका है, जहाँ पे 2.11% की बड़ी गिरावट हुई, और इसने भी इसके दो मजबूत सपोर्ट तोड़े हैं। अब इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा टेंशन होने लगी है। यहाँ पे देखें तो इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं, और वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा त्राही त्राही मची है। डाउ जो की बात करें तो 29,890 के स्तर पर जहाँ पे करीब 778 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है, यानी 2.54% गिर चुका है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,666 के स्तर पे करीब 123 पॉइंट की गिरावट है, यानी 3.26% की बड़ी गिरावट हुई है। अब हम बात करें अगर नैसडेक की, तो नैसडेक में भी 10,653 का स्तर देखने को मिल रहा है, 445 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 4.02% की बहुत ही बड़ी गिरावट। अब बात करें रजल 2000 इंडेक्स की, तो 1,656 के स्तर पर 4.29% की गिरावट। तो एक तरह से देखो तो पूरे के पूरे मार्केट क्रैश कर गए। क्या अभी हमें भी कल ऐसा ही खराब दिन देखने को मिलेगा। चिंताजनक बात यह है कि FI लगातार बिकवाली बाजार में कर रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो FI ने आज 4,573 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन्होंने 7,831 करोड़ का अपना माल बेचा। इस तरह से उन्होंने आज 3,257 करोड़ की बिकवाली की है। अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस की बात करें तो उन्होंने आज 6,604 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 4,675 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उनकी जो आज खरीदारी है वो मात्र 1,929 करोड़ के, बहुत ही कम, और पिछले कई महीनों के बाद ये बहुत ही कम बिकवाली है। इससे एक बात समझ में आ रही है, क्या FI के बाद अब DIB थक चुके, क्या वो भी सेल करने को आएंगे, और दोनों अगर सेल करने पर आ जाएंगे तो बाजार की क्या हालत होगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये आंकड़े तो आप देखोगे 10 जून को 180 US मिलियन डॉलर का अपना माल बेचा था, 13 जून को 408 US मिलियन डॉलर की बिकवाली की, और 14 जून को उन्होंने 456 US मिलियन डॉलर की बिकवाली की, और अगर 15 जून की बात करें तो 552 US मिलियन डॉलर की बिकवाली की। आज भी उनकी 430 US मिलियन डॉलर की बिकवाली है। अब जो बाजार को संभाल रहे वो है बड़े फंड हाउस, तो उन्होंने 10 जून को 2,831 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था, 13 जून को उन्होंने 2,814 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 14 जून को बहुत ही ज़बरदस्त यानी 3,807 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, 15 जून को उन्होंने करीब 2,588 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन आज जो उनकी खरीदारी है वो बहुत ही कम है, पिछले कई महीनों के बाद मात्र 1,929 करोड़ का बहुत ही कम उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है।
भी खरीदारी इतनी कम है कि इससे अब डर बैठने लगा है उनको भी, क्या ये अब वो बाजार पे भरोसा नहीं रह गया, क्या वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे गिरावट हो, क्योंकि जिस तरह से देखें तो ये पूरा बाजार ही मंदड़ियों के चपेट में अब इस समय आ चुका है। यहाँ पे जो राहत थोड़ी सी म्यूचुअल फंड की तरफ से आ, तो वहाँ भी आंकड़े निगेटिव है। अब यहाँ पे अगर देखोगे म्यूचुअल फंड की बात करें हम, तो 9 जून को उन्होंने 475 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट किया था, 10 जून को उन्होंने 857 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 13 जून को 1938 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 14 जून को अच्छी खासी उनकी खरीदारी हुई 2302 करोड़ की, लेकिन आप देखोगे तो 15 जून यानी कल इन्होंने मात्र 32 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट किया। अब यहाँ पे जो देखोगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी हाथ खींच लिए, अब यहाँ पे डीआई की खरीदारी कम हो चुकी है, म्यूचुअल फंड की खरीदारी कम हो चुकी है, तो बाजार को कौन संभालेगा, तो इसलिए बाजार में अब गिरावट की संभावना बनी। तो ऐसे में रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है फ्रेंड्स, रिसर्च एनालिस्टों का कहना है कि नियम टर्म में भारतीय बाजार में दबाव कायम रहेगा, बचे हुए फाइनेंशियल ईयर 2023 में बेयर मार्केट जोन में जाता हुआ नजर आ सकता है। दुनिया भर में ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसकी वजह से मांग के ऊपर दबाव तो आएगा ही, इसके साथ ही कंपनियों पर लागत का दबाव देखने को मिलेगा, आगे हमें अर्निंग डाउनग्रेडिंग होती नजर आ सकती है। जानकारों का कहना है कि अगर विकसित देशों में मंदी जैसी कोई स्थिति बनती है तो विकासशील देशों की ग्रोथ पर निगेटिव असर पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनिवीस का कहना है कि भारत के लिए इसके दो मतलब निकलते हैं, पहला ब्याज दर बढ़ने से US मार्केट ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिससे भारत जैसे उभरते देशों से जो बाजारों से जो डॉलर है उसका फ्लो अमेरिका की तरफ जाता है नजर आएगा, दूसरे डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी आएगी। तो कुल मिला के ये भारत के लिए फिलहाल स्थिति निगेटिव दिख रही है। इस समय बाजार में हर उछाल पर बिकवाली देखने को मिल रही है, यह निवेशकों में इक्विटी बाजार के प्रति फिलहाल घटते हुए रुझान का संकेत है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी यह कहना बहुत कठिन है कि बाजार का बॉटम बन चुका है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बॉटम बनने में अभी कुछ समय लग सकता है। रैलीगर सिक्योरिटी की तरफ से अजित मिश्रा का कहना है कि निफ्टी के लिए 15,400 से लेकर 15,450 का पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, जबकि 14,800 से 15,000 का बड़ा सपोर्ट है। इस जोन के आसपास किसी उछाल के पहले निफ्टी में इन लेवलों पर कॉन्सोलिडेट नजर आ सकता है। तो कुल मिला के अभी फिलहाल जो देखें तो बाजार एक तरफा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ गिरावट तो दिखाई अभी भी दे रही है, हो सकता है बाजार में गिरावट अभी भी बने। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्सपर्ट की सलाह है कि इस समय निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहकर क्वालिटी स्टॉकों का चुनाव करें और अच्छे शेयरों में दाव लगाएं। HDFC सिक्योरिटीज के दीपक जसानी का कहना है कि रिटेल निवेशकों को अपने एसेट एलोकेशन और इक्विटी पोर्टफोलियो में समीक्षा करनी चाहिए और उसको फिर से नए सिरे से उसमें सेटअप करें। बीच में उछाल मिलने पर पोर्टफोलियो में गए कुछ ऐसे स्टॉक जिसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है तो प्रॉफिट बुकिंग करें, और कुछ स्टॉक है जिनको आप इस समय खरीदारी नहीं कर सकते, जैसे स्टॉक आपको फेयर वैल्यू में लगते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि निवेशकों को क्वालिटी स्टॉक में अपना निवेश बनाए रखना चाहिए, इस बात में कोई संदेह नहीं कि नियर टर्म में तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन 3 से 5 साल के नज़र से देखें तो भारत का ग्रोथ आउटलुक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके अलावा ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पर वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। निवेशकों को ऐसी कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए जिनका कर्ज स्तर कम है, जिनकी प्राइजिंग पावर मजबूत है, वर्तमान बाजार में किसी पैनिक सेलिंग या बॉटम फिशिंग से बचने की सलाह है और SIP के जरिए निवेश करने का ही अच्छा विकल्प है। तो ये राय निकल के आ रही है रिसर्च एनालिस्टों की। अब यहाँ पे एक और चिंताजनक बात निकल के आ रही है कि कोविड के केस फिर से बढ़ने लगे और ये जो लगता है कि चौथी लहर बहुत ज़्यादा बड़ी जल्दी से आ सकती है और इसी वजह से थोड़े से टेंशन की माहौल तो यहाँ पे बनी हुई है। इसके बीच में भी ITC कमाल कर रहा है, आप देखोगे तो इस भयंकर गिरावट में भी ITC ने शानदार रिटर्न दिया है और इसलिए ये ऐसा स्टॉक है जिसमें इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो भयंकर गिरावट के बावजूद चाहे हम कितनी भी मंदी आए FMCG सेक्टर में मंदी नहीं आ सकती, क्योंकि लोग कपड़े खरीदे बगैर रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान भले नहीं खरीदेंगे लेकिन उनको खाने पीने की सामान तो खरीदनी ही होगी, तो FMCG सेक्टर तो तेज़ी से आगे जा ही सकता है, तो ऐसे में आपको ITC में दाव लगाना चाहिए। SBI की तरफ से जो न्यूज़ निकल कर आया उसके हिसाब से उन्होंने होम लोन की है ब्याज दर को बढ़ा दिया, अब 7.55% कर लिया है और ये बुधवार से लागू हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ स्टॉक है जिनको NSE ने FNO में बैन किया है, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस और साथ में RBL बैंक और डेल्टा कॉरपोरेशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात है कि कल काफ़ी बहुत सारी अपडेट आने वाली जिसको भी आपको नज़र रखना होगा, और जिस तरह से बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को, कल हमें गिरावट के साथ में शुरुआत होती हुई दिखा देती है, लेकिन क्या बाजार गिर के ही रहेगा या फिर उसमें कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिलेगी, तो इन बातों को हम कल ही देख सकते हैं क्या हो सकता है आगे। जैसे आज पॉजिटिव शुरुआत हुई थी लेकिन गिरावट के साथ हुई, तो हो सकता है कल शुरुआत गिरावट से हो लेकिन बाजार रिकवर हो जाए, तो ये ऐसी हम होप कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।